पुलिस के साथ बहसबाजी कर रहे ये युवक नशे में धुत हैं। नशे की हालत में शायद इन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि जब ये सभी होश में आएंगे तो इन्हें 28,000 का जुर्माना लग चुका होगा। दरअसल गोहाना के मोर चौक पर स्कूटी सवारों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। तीनों युवक नशे में स्कूटी चला रहे थे। पुलिस के रोकने पर ये सभी गाली गलौज करने लगे। ये बड़ौदा की तरफ से आ रही थी कल स्कूटी, अमित सुनाव बलजीत वासी बड़ौदा, तो रहा बदतमीजी करी मुलाजमों के साथ और ट्रिपल राइडिंग थी, उसका चलान कर दिया, 28,500 रुपये का इम्पाउंड कर दिया। उसके पास कोई कागजात नहीं दिखा सके हमारे। बदतमीजी करी वो नहीं, उसको आप कह लो भाई मिस भी हो ला लो, वो कुछ रहा बात बात आ गई थी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इम्पाउंड कर दी उसके पास कोई कागजात नहीं। तो चालक वगैरह उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई की? नहीं, वो उसका नाम उसका उसी के खिलाफ कर रखी है जो चालक था ना, उसी का चलान, उसी की स्कूटी थी वो। तो खाली स्कूटी के खिलाफ? हाँ, स्कूटी के खिलाफ चलान कर दिया। सर, इस तरह के मामले लगातार जारी हैं, मान लो कई? नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, चलानिंग लगातार जारी है, चलान तो लगातार करते हैं 5-7 रोज। पुलिस के अनुसार युवक स्कूटी पर ट्रिपलिंग राइडिंग कर रहे थे। जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने स्कूटी नहीं रोकी, और जब पुलिस ने उन्हें रोककर स्कूटी के कागज चेक किए तो उनके पास स्कूटी के कोई कागज नहीं थे। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को इम्पाउंड कर 28,000 का चालान कर दिया। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।